हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनंत आर्य और स्वागत है आपका मेरे चैनल हैशटैग नीट एस्पिरेंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल 4 सितंबर को नीट का पेपर था। आज के इस वीडियो में हम कल के पेपर का कंपेरिजन करेंगे 17 जुलाई के पेपर से। अगर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करें बायो से, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका पेपर 17 जुलाई को आया था उसमें बायो करने के कुछ ज़्यादा ही ट्रिकी और लेंदी था, क्योंकि उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन या फिर जो सरसन एजन वाले क्वेश्चन थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा भी थी और काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर मैं कल के पेपर की बात करूं तो कल के पेपर में आपको ऐसे क्वेश्चंस की संख्या भी कम थी और वो कुछ कम ट्रिकी और कम लेंदी थे। अगर मैं बात करूं 17 जुलाई के पेपर में, तो उनमें जो बायो के क्वेश्चंस थे उनमें जो आपको ऐसे क्वेश्चंस की संख्या काफ़ी अधिक थी जिसमें पांच पांच क्वेश्चंस लेकर ऑप्शंस लेकर फिर यह पूछना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है, जबकि ऐसे क्वेश्चन आपको कल देखने को नहीं मिले थे। इसीलिए अगर मैं बायो की बात करूं तो कल का जो आपका बायो का पेपर था वो आपको 17 जुलाई के पेपर और 2021 के पेपर के बीच में था, यानी कि ओवरऑल ये आपको ईजी के लेवल में से आप रख सकते हैं टू मॉडरेट के बीच में था, यानी लगभग लगभग ये ईजी के आसपास ही था। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और सबसे पहले अगर स्टार्टिंग करूं अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो जो फिजिकल का पेपर था वो आपको कहीं ना कहीं बराबर ही था 17 जुलाई के पेपर से, क्योंकि दोनों में ही जो आपको न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे वो एक लेवल के पूछे गए थे। लेकिन वहीं अगर मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी लगा इन कंपेरिजन टू 17 जुलाई। वहीं अगर मैं बात करूँ आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो दोनों में लगभग लगभग बैलेंस क्वेश्चन तो था, लेकिन कल का जो पेपर था कुछ था एट अ पॉइंट को ज़्यादा ही पूछा गया था। इसलिए अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूँ केमिस्ट्री की, तो जो कल का पेपर था वो आपको 17 जुलाई के पेपर की तुलना में थोड़ा सा ऊपर था। वैसे तो दोनों दिन का पेपर बढ़िया था, लेकिन अगर मैं ओवरऑल उससे अगर बैलेंस लेवल पर बात करूँ तो जो आपको कल का पेपर था थोड़ा सा ऊपर था। वहीं अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो जो फिजिक्स आपका 17 जुलाई को पूछा गया था वो ईजी लेवल का था, लेकिन वहीं जो आपको कल पूछा गया था फिजिक्स वो आपको मॉडरेट था। आप अगर कंपेरिजन की बात करें तो जहाँ 17 जुलाई में सिर्फ एक ही ग्राफ पूछा गया था, लेकिन कल के अगर आप एग्जाम की बात करें तो उनमें आपको कुछ ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिले थे, उन्हें मैच देम करने के टाइप में मिला के पूछा गया था, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी सी अधिक थी। अगर मैं ओवरऑल दोनों का बात करूं तो जैसे कि आप अगर 17 जुलाई के पेपर की बात करेंगे तो उनमें आपको बायो मॉडरेट टू टफ लेवल पे था, केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल का था, फिजिक्स वहीं इजी लेवल का था। वहीं अगर मैं कल के पेपर की बात करूं तो कल जो आपका बायो था वो आपको इजी पे ज़्यादा था, मतलब मॉडरेट के पास तो नहीं, उसे आप इजी पे रखिएगा। वहीं अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री आपको मॉडरेट टू टफ लेवल पे ही था। वहीं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स आपका मॉडरेट लेवल पे था। तो फ्रेंड्स, ये था एक ओवरऑल कंपेरिजन और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा इससे आपका विन ओपिनियन भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था फाइनल ओपिनियन। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज़।